बाइक रिलेटेड ए टू जेड वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब खोज इंडिया चैनल और हर एक नया वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। आज 6 तारीख है और सुबह के 10 बज गए। मैं अभी जा रहा हूं दिल्ली ऑटो एक्सपो। वैसे ऑटो एक्सपो 9 तारीख से है, लेकिन मीडिया के लिए वो 2 दिन पहले 7 और 8 को ओपन रहेगा। बहुत सारे लॉन्चेस और कॉन्फ्रेंस भी उधर रहेंगे, इसलिए तो हमें इन्वाइट किया 7 तारीख को। तो आज 6 तारीख है, तो आज ही मैं जाके होटल में चेक इन करूँगा। और सुबह के 10 बज गए। वैसे मैं बहुत ही लेट राइजर हूँ, लेकिन इतना सुबह उठने के लिए थोड़ा तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं चाह रहा हूँ। वैसे मेरा जो फ्लाइट है ये 1 बजे का फ्लाइट है। पहले जेट एयरवेज का टिकट था मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा और जल्दी सुबह का था, तो इसीलिए मैंने वो कैंसिल करके 1 बजे का टिकट लिया इंडिगो। दिल्ली वैसे मैं पहली बार जा रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं है दिल्ली में। वैसे मैं बॉम्बे मुंबई कई बार गए हूँ, तो दिखते हैं कैसा है। सुना है दिल्ली दिल वाले का शहर है, वो कैसा है वो हम देखेंगे ज़रूर। तो मेरा जो टोटल जर्नी है ये कोलकाता से दिल्ली तक, ये इस जर्नी में आप मेरे साथ रहेंगे और हर एक चीज़ का अपडेट मैं देते रहूँगा। तो फिर चलिए, मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, दमदम एयरपोर्ट। चलिए, बोर्डिंग पास अभी हो गया है। ये है बोर्डिंग पास, गेट नंबर 14। तो अभी सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है। चलिए फिर सिक्योरिटी चेक। बोर्डिंग पास तो ले लिया और सिक्योरिटी चेक भी हो गया। मैं अभी आ गया है अंदर। अंदर का नज़ारा देखिए आप, दमदम एयरपोर्ट। अभी मुझे जाना है गेट नंबर 14, वहीं से ही फ्लाइट है इंडिगो का 1:05 पे। तो फिर चलिए गेट नंबर 14। चलिए इसे देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये थाई भेज पर पीस 80 रुपीज़। ये भेज है ना, 120 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST, लेकिन यहाँ पर तो 80 रुपीज़ लिखा है। ओ नहीं, 120 रुपीज़ ओके पर पीस, ज़्यादा है लेकिन फिर भी ट्राई करते। दीजिए एक दीजिए। ओके, तो दिस इज माय थाई वेज पैटीज, रुपीज 120, एंड दिस इज सॉस आई थिंक। ओके ओके,
तो चलो लेट्स इट। तो मैं आ गया हूँ गेट नंबर 14 के पास, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ही वो दिल्ली वाला फ्लाइट यहाँ पर आएगी, तो आधा घंटा टाइम है अभी, तो आधा घंटा हम वेट करते हैं। विंडो सीट मिल गया है, मैं आपको बाहर का नजारा जरूर दिखाऊंगा।
लोकेशन अच्छा है, यहाँ का जो लोकेशन है काफ़ी शांति है, काफ़ी सुकून है। यहाँ पर सनसेट भी हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ का एटमोसफेयर एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये लोकेशन। बाकी देखते हैं, हमारा जो मेन टारगेट है वो है ऑटो एक्सपो, तो ऑटो एक्सपो वही मेरा मेन पॉइंट है। बाकी ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी रहने के लिए ये जो इलाका है, एरिया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुकून और शांति भी है। चलिए रूम के अंदर जाके बात करते हैं। वैसे टीवी भी है, एसी, ये कुछ, ये बाथरूम है, तो यही था आज की जर्नी कोलकाता टू दिल्ली। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पे दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए। असली मिशन तो कल से शुरू होगा, ऑटो एक्सपो 2018, देखते हैं वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो मिलते फिर कल, तब तक खोज इंडिया देखते रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन करिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ कल से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए तो मिलते फिर बहुत जल्दी कल, तब तक खोज इंडिया देखते रहिए और स्लो ड्राइव कीजिए, सेफ ड्राइव कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।